అక్టోబర్ 2న తాను పార్టీ ప్రారంభించడం లేదని బీహార్ ప్రజలు కొత్త పార్టీని ప్రారంభించుకుంటున్నారని రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్ అన్నారు. గతంలో రాజకీయ పార్టీల గెలుపు కోసం పనిచేశారని ఇప్పుడు మాత్రం బీహార్ ప్రజలకు వ్యూహకర్తగా పనిచేయబోతున్నారని స్పష్టం చేశారు. బీహార్ నుంచి యువత వలసలు ఆపడానికి బీహార్ను నితీష్ లాలూల నుంచి విముక్తి చేయడమే తన పార్టీ ప్రధాన ఎజెండానని పీకే తెలిపారు. 2 तारीख को प्रशांत किशोर दल नहीं बना रहे हैं, 2 तारीख को बिहार के 1 करोड़ लोग एक साथ आकर अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बिहार में लालू नीतीश और भाजपा के जो पिछले 30 साल का जो राज रहा है उससे मुक्ति के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनके रोजगार के लिए, पलायन को रोकने के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए बिहार के लोग मिलकर ये दल बना रहे हैं. प्रशांत किशोर की भूमिका जो पहले थी वो आज भी है. फर्क बस इतना ही है कि पहले मैं दल और नेताओं को मदद करता था, उनको सलाह देता था, उनको बताता था कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे संगठन बनाना है, कैसे कैंपेन करना है. काम मैं वही कर रहा हूँ. अब फर्क इतना ही है कि दल और नेता को छोड़कर हम बिहार की जनता को ये सलाह दे रहे हैं. और जो आप देख रहे हैं अभी 28 तारीख को यहाँ बैठक हुई, आज बैठक है और ऐसी 7 बैठकें होंगी जो 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जो इसमें सक्रिय भूमिका में हैं, या यूथ क्लब चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, वो लोग जुटेंगे, बैठेंगे और 2 तारीख को सब मिलकर 1 करोड़ सदस्यों के साथ इस दल की नींव रखी जाएगी, जो अपने आप में इस देश के इतिहास में पहली ऐसी घटना होगी जब दल बनने से पहले, दल बनाने के बाद लोग जुटाने वो अलग बात है, यहाँ 1 करोड़ बिहार के लोग मिलकर दल बना रहे हैं, वो पहली ऐसी घटना होगी और 2 तारीख को आप उसको देखेंगे.